ये है सूजी का नाश्ता, और सबसे मस्त और सबसे बेस्ट नाश्ता है, जो कि बहुत जल्दी झटपट बन के घर पे तैयार होता है। और ये नाश्ता बनाने के लिए हमारा वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और बहुत अच्छा तरीका से मैं आपको बताई हूँ, जो कि बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कढ़ाई रख दी हो गर्म होने के लिए। इसमें हम लेंगे 1 चम्मच तेल। आप तेल सरसों का भी ले सकते हैं, रिफाइंड का भी ले सकते हैं, कोई सा भी। इसको हम गर्म हो जाने देते हैं। इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, मिर्चा डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, आप हरा मिर्चा लाल मिर्चा कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें तिल डालेंगे, तो तिल अगर है आपके पास तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और इसको अच्छे से चटक जाने देते हैं। जिस कटोरे से हम सूजी लेंगे उसी कटोरे से हम 2 कटोरी यहाँ पे पानी लेंगे। अगर 1 कटोरी सूजी है तो 2 कटोरी पानी है, तो यहाँ पे मैं 2 कटोरी पानी ले ली हूँ। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालना है। अब इसमें जो सूजी है उसको भी हम इसी में ऐड कर देते हैं और एकदम अच्छे से चलाएंगे। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, और इसको ऐसे चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा। तो इसको हमको एकदम सूखा करना है, जैसे हम रोटी के लिए डो बनाते हैं उसी तरह से इसको बनाना है। इसको ऐसे एकदम अच्छे से चलाते रहेंगे, जो कि जब तक ये डो ना बन जाए तब तक हम ऐसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से सूख गया है और एकदम अच्छे से डो बन गया है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हाथ से कम 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मसल लेंगे, तब एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो गैस को हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से ठंडा हो गया, और इसको मैं प्लेट में निकाल के रख ली हूँ कढ़ाई में से। और देखिए ठंडा हो गया एकदम अच्छे से, और इसमें हल्का सा मैं हाथ में इस तरह से तेल लगा के और इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसल ली हूँ। और देखिए एकदम अच्छा सा डो बन गया है। अब इसको चलिए हम सुबह का नाश्ता कैसे बनाएंगे तो आपको मैं बता रही हूँ, और यहाँ पे आपको बताई हूँ इसमें क्या क्या ऐड करना है और कैसे बनाना है। तो आप एकदम अच्छे से देखिएगा और एकदम वीडियो में बने रहिएगा। तो इसको हम 2 भाग में कर लेते हैं अलग अलग, और अगर आपके पास चौकी बेलन बड़ा सा है तो ले लीजिए, नहीं तो हम इसी पे बनाएंगे इसको इस तरह से। इसका लोई खूब बड़ा बना लेंगे, और थोड़ा मोटा ही बेलना है इसको, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, और आटे का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको इस तरह से बेलेंगे, तेल लगा लेंगे जो कि चिपके ना नीचे से। अब ये अच्छे से बेला गया है, अब इसको हम काटेंगे। तो आपको जैसा मर्जी करे उस तरह से आप काट सकते हैं। तो मैं अभी साइड साइड का हटा दे रही हूँ इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से काटेंगे, देखिए ऐसे करके फिर ऐसे कर लेंगे, और थोड़ा छोटा छोटा ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें भी हम 2 भाग कर लेते हैं, और देखिए इतना ही मोटा बनाना है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं जैसे मोटी रोटी बनाते हैं उस तरह से बनाना है। तो एकदम एकदम आसान तरीका है ये बनाने के लिए, और आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको सारा कट करके रख ली हूँ, और इसको फ्राई करना है। इसको आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, तो मैं कुछ ऐसे ही फ्राई कर दे रही हूँ और कुछ अलग तरीका से आपको बता रही हूँ। तो इसको देखिए मैं तेल रख दी हूँ गर्म होने के लिए, और एक एक करके आधा फ्राई कर लेते हैं इस तरह से, और आधा कैसे फ्राई करना है तो मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा तेल यूज किया हुआ है, तो इसी तेल में मैं फ्राई करूंगी। तो ऐसे एक एक करके मैं डाल देती हूँ, और यहाँ पे मीडियम फ्लेम रहेगा, हाई फ्लेम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अलट पलट के गोल्डन ब्राउन कर लेना है, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और चलिए कुछ अलग तरीके से छानते हैं, तो इसको मैं बता रही हूँ क्या करना है। इसको तब तक फ्राई होने देते हैं और दूसरा वाला भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 1 चम्मच मैदा ली हूँ, 1/2 चम्मच आटा है, मैं दोनों एक ही में मिक्स कर ली हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी चीज ले सकते हैं, चाहे मैदा चाहे आटा, तो मैं दोनों मिक्स कर ली हूँ। और इसमें डाली हूँ नमक है, मिर्ची है, और कस्तूरी मेथी है, तिल है, और इसको सारा एक ही में फेंट ली हूँ। और फेंटने के बाद देखिए ज़्यादा हमको पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा ही बनाना है, जो कि देखिए उंगली में इस तरह से आए, इतना मोटा रहना चाहिए। अब इसको हम एक एक करके ऐसे इसमें ऐसे डुबा डुबा के ऐसे डिप करके ही फ्राई करेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है, अब उसको हम निकाल के तब इसको फ्राई कर। तो इसको देखिए ऐसे अलट पलट के गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो अभी ये ब्राउन नहीं हुआ है, हल्का ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको हम प्लेट में निकाल के रख लेते हैं, दूसरा वाला भी इसी तरह से छान लेते हैं। तो इसको इसी तरह से हमको छानना है, देखिए इसमें डुबा के इस तरह से। तो ऐसे हम एक एक करके इसमें डाल देते हैं फ्राई करने के लिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बीच बीच में अलट पलट लेना है, क्योंकि इसको गोल्डन ब्राउन करना है। अगर एक तरफ से आप पकाएंगे तो ये जल जाएगा, तो इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे, जैसे अलट पलट के देखते रहेंगे कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुआ है कि नहीं। और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम रहेगा तो ये जलने लगेगा और अच्छे से पकेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इससे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको एक एक करके ऐसे करके निकालेंगे, और ऐसे करके निकालेंगे जो कि एक्स्ट्रा तेल रहेगा तो दोबारा कढ़ाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा नाश्ता बन गया है, जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, और बहुत जल्दी से बना हुआ है। सबसे जल्दी नाश्ता सुबह सुबह के ही बनता है, तो आप ज़रूर अपने घर पे इस तरह से बनाइएगा और खाइएगा, बताइएगा कैसा है। तो मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितना मस्त है, और ऊपर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है, और बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, और बच्चों को अच्छा लगता है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।